स्पीड जो है वो खतरनाक है। ट्रक देखो किस टाइप की लैंडिंग की है भाई, हॉरिबल। एक्सपल्स में तो फिर दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अरे बाप रे, मर्सिडीज बेंच खत्म भाई। हल्का सा गस्सा लग गया ना गड्डी का, बस देखो कैसे नाच रही है यहाँ पर। तो ऐसे में यार रुकी जाओ भाई थोड़ी देर, आलू ग्राउंड के हाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, खतरनाक भाई साहब, भाई साहब। भैया होटल खत्म, खंड में हो गए। ये मनाली का बस स्टैंड, पीछे किधर माल रोड। जितना पी सकता पीने दो इसको, 500 कर दो पूरा। ऐसे पैचेस पर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये देखिए पूरी गैंग पहुंच गई है, ये काफी सारे राइडर यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब आएगा मजा। तो नाउ ये है दूसरी दुनिया का दरवाजा। ओह मैन, व्हाट ए व्यू मैन, ये आगे हम कहाँ। तो लद्दाख वाली फीलिंग यहीं से मिलना शुरू होती है। वाओ, हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है फिर से मेरी यूट्यूब चैनल राइडर शक्ति में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। अभी निकल रहे हैं हम लद्दाख के लिए, हमारी टीम आगे निकल चुकी है और हम थोड़े पीछे रह गए हैं। तो ना हो, मैं और मेरे साथ है चार राइडर, हम लोग निकल रहे हैं अभी दीपक के लिए। और आज हमारे होस्ट है हमारे दीपक भाई, थैंक यू सो मच भाई। तो वापसी में हम मिलेंगे भाई से फिर, ठीक है, सी यू, थैंक्स। तो ये शानदार प्रॉपर्टी है दलालाज होम स्टे, 14 मील में, बिल्कुल रोहतांग राइडर के बिल्कुल पास में है। तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं। तो मेरे साथ विजय शाह, और इनका भी एक चैनल है विजय शाह के नाम से, आप इनको सर्च कर सकते हैं। और हमारे साथ राइडर, इनका भी चैनल है नॉमडिक राइडर के नाम से, और ये R3 को राइड कर रहे हैं अभी, ये इनके चैनल का नाम। प्रेम भाई अपने क्लासिक 350 पर, बढ़िया लग रही है, पूरा लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। एंड नाउ अपना बाइक तूफान, फुली लोडेड भाई, मस्त लग रहा है आज ही। तो चलो हेलमेट लगाते हैं और गोली हो जाते हैं भाई। बाइकर निकल चुके हैं रोड पर। तो भाई अभी निकल रहे हम 15 मील से। ओह मैन, बोले ना सबके साथ बस रक्षा करना प्रभु। बीच में ना इस रोड पर ऐसी स्थिति आपको दिख जाती है, इसलिए यहाँ पर आराम से निकलना पड़ता। फिर बीच में जहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ ना, वहाँ पर लंबे लंबे जाम लगते हैं ऐसे। और अभी क्या कर रहे हैं कि अभी ना सारे बाइकर्स वगैरह सब रुके हैं, संजू बाबा, संजू भाई। कैसे आप? झूले बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया। बोला आप गाड़ी का काम करा रहे हो। अरे क्या बात है, ये है विजय शाह, नॉमडिक राय, संजू भाई हमारे बड़े भाई, और वो हमारे प्रेम भाई, ये हमारे फाउंडर मेंबर, इन्हीं के बदौलत चलता है भाई हमारा रोहतांग राइडर। सुपर। रमेश भाई कैसे है? बढ़िया, कुशल मंगल, बस भाई बढ़िया। हेलो जी, कैसे है भाई? और बढ़िया, कुशल मंगल। अरे वाह वाह वाह, पैको पैक, और ऑल इज वेल, चलो बढ़िया। अपने आ जाए भाई। हाँ हाँ, डीएसपी साहब। अच्छा, अरे क्या बात है, डीएसपी साहब भी हमारे साथ है। अरे तब टेंशन ही खत्म है। चले चलो भाई। जय हो प्रभु, जय हो भाई साहब। और भी राइडर्स मिल गए, अच्छी बात तो ये हो गई। देखो भाई दोनों साइड को काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ, गुड यार। पुलिस वालों को भी सलाम, बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, बीच बीच में ऐसे पैचेस मिल रहे हैं। देखो वो पापरे, निकल लो, और लगे हैं बंदे भाई, काम चला है इनका। सबसे खतरनाक जाम तो ये वाला लगता है, ये जाम कब तक हमारा साथ देगा, मनाली तक ये सीन चलता रहेगा ऐसे। गयो भैया होटल ख़त्म, खंड में हो गए भाई। हल्का सा गस्सा लग गया ना गड्डी का, जिस टाइप से नाच रही गाड़ी, बस देखो कैसे नाच रही है यहाँ पर। तो ऐसे में यार रुकी जाओ भाई थोड़ी देर,
ये भाई आलू ग्राउंड के हाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, खतरनाक। अरे बाप रे, मर्सिडीज बेंच खत्म। जैसे आप दिल्ली पहुंचने वाले होते हो वहां पर आपको दुर्गंध आती है, तो सोचो दिल्ली दूर नहीं है। सेम थिंग मनाली पहुंचने से पहले भी आपको इसी टाइप की दुर्गंध मिलेगी, तो सोचो मनाली बिल्कुल पास है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग स्टक हो गए हैं, मनाली बिल्कुल मुंह के पास है, पर यहां पर ना बड़ा सा पैच अराउंड 100-200 मीटर होगा जो कि पूरा उड़ गया है। बस थोड़ा सा पैच और 100 मीटर का खतरनाक से पैच, ऐसे लग रहा वन वे कर दिया है। तो ये है आमचिक मनाली, ये मनाली का बस स्टैंड, पीछे की तरफ माल रोड। मनाली से निकल लिया भाई, तो यहाँ पर करेंगे हम फ्यूलिंग। हमारे बंदे कब गए? कितनी देर पहले? 15-20 मिनट। करो टैंक फुल करो यार, लवा लव क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, जितना पी सकता पीने दो इसको, 500 कर दो पूरा। तो भाई हमने फ्यूलिंग कर दी यहाँ पर बढ़िया से, भाई इस बार नुकसान बहुत हुआ और यही कारण है जब हमने स्पीति राइड को कैंसिल किया। ऐसे पैचेस पर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे मौसम ठंडा हो रहा है और वेदर एकदम मस्त लग रहा है। भाई शेफर्ड आ गए, अरे 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 भाई बचा के, छोटे छोटे बच्चे झूले झूले झूले। ओ भाई यंग मैन, ये जवान हो रहा भाई, और कैसे है? बढ़िया गोपाल भाई, झूले आ गया भाई, आ गया मेरा भाई, क्या हाल है? और भाई कैसे है झूले भाई, कैसे हैं झूले झूले? अरे वाह भाई, बड़े लोगों की बड़ी पसंद, दो दो बहन ली है अपने पास। और अपना हिमालयन ये है यांग थांगी, यहाँ से जाएंगे हम रोहतांग की तरफ। हम निकल रहे सोलांग की तरफ, अभी यहीं से निकले हम अटल टनल से होते हुए जिस्पा की तरफ। शानदार शानदार नज़ारे देख लो, और सोलांग यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सोना सोना मार्केट। सो नाउ फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोलांग, और रोहतांग राइडर का काफिला यहाँ पर लगा हुआ है। झूले 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 भाई कैसे हैं? झूले 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 जी झूले कैसे हैं? झूले कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप सुनाओ? ऑल सेट, ऑल गुड, मस्त, मिल लेते हैं। काइस्ता, हेलो झूले झूले भाई, झूले कैसे हैं आप? हेलो जी, हेलो, कैसे हैं भाई लोग, कैसे हैं भाई लोग? और वेलकम वेलकम, और चैंप पहुंच गया। हेलो जी झूले झूले, और साहब कैसे हैं? पवन भाई, पवन भाई कैसे हैं? वेलकम, ऑल सेट। हमारा हीरो आ गया भाई, हीरो आ गया, इस वो बोलते कलेजे में ठंडक पाएगी। ये देखिए पूरी गैंग पहुंच गई है, ये काफी सारे राइडर यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब आएगा मजा, ये योगी के ऊपर आज लग रहा है। योगी कैसे लग रहा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और भाई क्या नाम है? रोमी। रोमी कौन सी बाइक है? अच्छा मैकेनिक टीम। भाई मेरी गड्डी का ख्याल रखना। और भाई आप किस में है? एक्सपल्स। अरे भाई ये देखो पूरा फुली रैली एडिशन क्या? नहीं नहीं, अच्छा मतलब सीट ही लगाई है इन्होंने, सीट लगाई है। सीट आप किस में है? अरे वाह, छा जाएंगे बंदे। और आप? गगन, कैमरा टीम। कैमरा टीम, अरे गगन भाई ये है हमारे कैमरा मैन, क्या बात है। रंजू भाई हमारे जो हमको छोड़ के भाग गया थे आज। नहीं नहीं गलत बात, भाग गए भाई, भाग गए। आखिरी टाइम आपको पूछा था, लेकिन आपने बोला कि भाई जवान लग रहे। यस, ये भी कैमरा चाहिए, हमेशा शर्माते रहते भाई, और सबसे ज्यादा मैं कैप्चर ही नहीं को करता हूँ। चलो भाई तो निकलते हैं अब और मौज करते हैं। ओ भाई साहब, ओ मैन, निकल लिए भाई, निकल लिए सारे, खतरनाक बंदे हैं भाई साहब। ओ मैन क्या लुक है, ओ भाई देखिए क्या मस्त लग रहे हैं भाई, एक साथ सिंक करते हुए बंदे निकल रहे हैं भाई, देखने में मजा आ रहा है इनको।
भैया खतरनाक पॉइंट है ये वाला, ये जो टर्न मारता है ये बहुत ही खतरनाक है, स्पीड जो है वो खतरनाक है। ट्रक देखो किस टाइप की लैंडिंग की है भाई, हॉरिबल। ना पहुंच गया हम अटल टनल, चेको वाओ व्हाट अ व्यू मैन, जय भाई साहब। गाइस अब दिखाता हूँ आपको दूसरी दुनिया का दरवाजा। अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर और रियली मजा आता है यार, और राइडर्स भी अच्छे खासे हैं हमारे पास, अमेजिंग। तो नाउ ये है दूसरी दुनिया का दरवाजा और आगे का लुक अलग ही हो जाता है। वाओ ये देखिए, माय गॉड, ओ मैन व्हाट ए व्यू मैन। ये आगे हम कहाँ, तो लद्दाख वाली फीलिंग यहीं से मिलना शुरू होती है। वाह नज़ारे ही नज़ारे भाई, ये है रोहतांग राइडर का काफिला। और देखो भाई अटल टनल के कारण ही इतना पॉसिबल हो गया, अदरवाइज यहाँ पहुँचने में हमको 4 से 6 घंटे लगते हैं हमको। रियली अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। जय हो जय हो जय हो रोहतांग राइडर्स, जय हो, मज़ा आ गया। तो ना आगे की तरफ निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारे। भैया यहाँ पर होती ठंड, हिमाचल पुलिस बहुत अच्छा काम करती हुई, गुड हस, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, ये हिमाचल पुलिस है भाई, बेहतरीन काम करती है। बाइकर होते खतरनाक, कहीं से भी निकल जाते हैं। ये देखो भाई साहब, देखा कैसे निकले, रूट है नहीं है मतलब ही नहीं, ऊपर से निकलना चाहिए था। एक्सपल्स में तो फिर दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, हम निकल जाते हैं बड़े बड़े पत्थरों से और आसानी से। भाई साहब क्या तूफान आ गया, यहाँ पर भी इश्यू है। नाव से सिसु पहुंचने वाले हैं और ये है यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह और चारों तरफ है हरियाली की हरियाली। खराब बंद, 2 मिनट रुक नहीं सकते तुम लोग। नहीं नहीं जे ऊपर जय हो प्रभु, रक्षा करो। तो भाई सिसु पहुंच चुके हैं, राजा गेपन का आशीर्वाद, जय हो प्रभु, रक्षा करना, सब कुछ ठीक हो। ये लाहौल के सबसे बड़े देवता है राजा गेपन। अब निकले हम आगे की तरफ, सिसु यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट बन गया आज के टाइम में,
अगर लाहौल की तरफ देखा जाए तो ये एक हॉट डेस्टिनेशन है, सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं भाई आज के टाइम। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक टाइम पर लाहौल फेमस था आलू और मटर के लिए, आज भी आलू मटर बहुत निकलता है यहाँ से, पर अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सब्जियां भी उगाई जाती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड की सब्जियां जो होती है इसकी लाइफ सर्कल ज्यादा होता है, इस कारण मेट्रो सिटीज में इसकी ज्यादा डिमांड रहती है। भाई ये भी एक खतरनाक सा पॉइंट है, जगह देख लो खतरनाक सी है, और ऐसे में रुकना खतरों से खाली नहीं होता। गाइज मुझे लगता है आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और फाइनली आप लोग ज़रूर बताएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, मनाली से लेकर लाहौल तक की ये जर्नी आपको कैसे लगी, यहाँ के रोड लोकेशन साइट सीन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, आपका एक कमेंट आपका एक शेयर आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो फाइनली गाइज आज के लिए इतना काफ़ी, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, राइड हार्ड right safe, see you soon, bye bye.